नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 6 बीपीएससी के लिए हमारा ये लेटेस्ट वाला ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। फुल पेड ग्रुप भी 8 नवंबर को स्टार्ट किया है, प्लस टेस्ट सीरीज वाला भी स्टार्ट किया है। टेस्ट सीरीज में आपको 22 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, 12 टॉपिक वाइज 10 फुल लेंथ मिलेंगे, प्लस बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, 6000 स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। पूरे क्वेश्चन बैंक है, बिल्कुल अप टू डेट, बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करने के लिए। टोटल करंट अफेयर भी टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में मिल जाएगा, बिहार का करंट अफेयर भी मिलेगा, बिहार इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, बिहार जीके मिलेगा, यूट्यूब की डे वाइज टेस्ट सीरीज, प्लस जो यूट्यूब के टॉप 50 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है वो भी इसी में मिल सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए इन दोनों नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम बीपीएससी का मॉक टेस्ट डिस्कस कर। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनानी राजा मेनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप किस पुस्तक में प्राप्त होता है? दिव्यावदान में, मिलिंद पन्हों में, दीप वंश में या महावंश में, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, मिलिंद पन्हो, जो कि पाली भाषा में किसने लिखा था, नागसेन के द्वारा लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। महत्वपूर्ण जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई है? पाली में, प्राकृत में, अर्धमगधी में, संस्कृत में, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, जो इम्पॉर्टेंट जैन ग्रंथ हैं उनकी रचना अर्धमगधी और प्राकृत में की गई है, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी और सी दो सही है, आंसर ई। ऋग्वैदिक समाज में गवेषणा, ग्योशु, गम्य आदि शब्दों का प्रचलन किस संदर्भ में किया गया है? कृषि के संदर्भ में, युद्ध के संदर्भ में, दूध के संदर्भ में, या पुत्री के संदर्भ में, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है बी, युद्ध के संदर्भ में। सल्तनत काल के निम्नांकित शासकों को कालानुक्रम के रूप से व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द सल्तनत पीरियड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कैकुबाद, गाजी मलिक, नसीरुद्दीन महमूद या खिजर खान। तो देखिए, ये सभी लाइन से ही लिखे हुए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, बी, 1, 2, 3, 4, यानी आंसर ए। निम्नलिखित में से बंगाल के किस शासक को उसकी उदारता के कारण कृष्ण का अवतार की उपाधि दी गई है? सिकंदर शाह को, बर्बाक शाह को, हुसैन शाह को, या नुसरत शाह को, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए, जो हुसैन शाह हैं, इनका पूरा नाम क्या था, अलाउद्दीन हुसैन शाह, ठीक है? तो इनको, इनकी उदारता के कारण कृष्ण का अवतार कहा जाता था, ठीक है? तो आंसर हो गया सी। विजयनगर के तुलु वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वीर नरसिंह के द्वारा, कृष्णदेव राय के द्वारा, हरिहर के द्वारा, सदाशिव के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए, तुलु वंश की स्थापना जो की गई थी वो गई थी वीर नरसिंह के द्वारा, और इनके छोटे भाई थे, उनका ही नाम था कृष्णदेव राय, जो मोस्ट फेमस रहे। आंसर होगा ए। इतिहासकार कानूनगो ने किसके बारे में लिखा है कि वह बाहर से तो मुस्लिम था और अंदर से हिंदू था? अकबर के बारे में, जहांगीर के बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में, या जैनुल अबेदीन के बारे में, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, ये स्टेटमेंट शेरशाह सूरी के बारे में लिखा गया है, आंसर सी। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? एम जी रानाडे, केशव चंद्र सेन, श्री धरल्लू नायडू, या स्वामी दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए, प्रार्थना समाज है आपके एमजी रानाडे का, आंसर ए। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द तत्वबोधिनी सभा? रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर, या केशव चंद्र सेन, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए, तत्वबोधिनी सभा, ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी, आंसर हो जाएगा बी।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था? इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट अप्रूव्ड? 1904 के मुंबई सेशन में, 1905 के बनारस सेशन में, 1906 के कलकत्ता सेशन में, या 1907 के सूरत सेशन में, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो देखिए, ये 1905 के बनारस सेशन में, जो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है, उसमें डिसाइड हुआ था स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बारे में। तो आंसर हो जाएगा बी। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी इन 1919। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना को, मौलाना मोहम्मद अली को, महात्मा गांधी को, चितरंजन दास को, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था 1919। पल्सर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय पल्सर? घूर्णन करता हुआ लाल विशाल तारा, रोटेटिंग रेड जाइंट स्टार, सफेद बौने तारे का घूमना, रोटेटिंग व्हाइट ड्वार्फ स्टार, न्यूट्रॉन तारे का घूमना, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार, या काला बौना तारे का घूमना, रोटेटिंग ब्लैक ड्वार्फ स्टार, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो देखिए, पल्सर होता है जो, वो है आपका न्यूट्रॉन तारे का घूमना, रोटेटिंग द न्यूट्रॉन स्टार। आंसर सी। वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समर्थन में क्या सबूत है? व्हाट वाज द एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर? देखिए, जिक्शोफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लॉसोप्टेरिस फ्लोरा, ग्लॉसोप्टेरिस वनस्पतियों का वितरण, कार्बोनिफेरस हिमनद, डायनासोर और लेमिंग्स का जीवाश्म, फॉसिल्स ऑफ डायनासोर एंड लेमिंग्स, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा ई, क्योंकि ये सभी एविडेंस हैं जो महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी को प्रूफ करते हैं। तो आंसर हो गया ई। मिड अटलांटिक रिज बेल्ट के बारे में क्या सच है? इसमें भूकंप मध्यम और कम गहरे होते हैं, यह अभिसरण प्लेट मार्जिन में होता है, या ज़्यादातर भूकंप भूमध्य रेखा से दूर होते हैं, यह अलास्का से चिली तक फैला हुआ है, या इनमें से कोई नहीं, है एक से अधिक? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, क्योंकि जो मिड अटलांटिक रिज होती है, वहाँ पर जो आपके भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं, वो मॉडरेट और शैलो होते हैं, ठीक है। और ये जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन है मिड अटलांटिक रिज का, वो कन्वर्जेंट ना होकर के डाइवर्जेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। और ज़्यादातर हैं जो ये अवे फ्रॉम द इक्वेटर नहीं होते हैं, ये तो इक्वेटर वाले रीजन में ही ज़्यादातर होते हैं, और ये एक्सटेंड फ्रॉम अलास्का टू चिली, तो ऐसा नहीं है। इसका जो एक्सटेंशन है वो है आपका आइसलैंड से लेकर बोविटोवा आइलैंड, ठीक है, आइसलैंड से बोविटोवा आइलैंड तक। तो ये भी गलत, ये भी गलत, और ये भी गलत। आंसर हो गया ए। बार, स्पिट, हुक्स, बैरियर या टॉम्बोलो, ये किस प्रकार के लैंडफॉर्म के एग्जांपल्स हैं? नदी का भूभाग, रिवर लैंडफॉर्म, ग्लेशियर लैंडफॉर्म, शुष्क भूभाग यानी एरिड लैंडफॉर्म, या तटीय भूभाग कोस्टल लैंडफॉर्म, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? देखिए, ये सभी हैं जो, ये आपके तटीय भूभाग के एग्जांपल है, कोस्टल लैंडफॉर्म के टाइप हैं, ठीक है, बाहर से आइडिया लग ही गया होगा। तो आंसर हो गया डी। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान सही ढंग से मेल नहीं खाते? विच ऑफ द फॉलोइंग वार्म ट्रॉपिकल डेजर्ट इज नॉट करेक्टली मैच? देखिए, कालाहारी है जो वो बोत्सवाना में है, काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है, या पैटागोनिया चिली में है, इनमें से कोई नहीं, है एक से अधिक? देखिए, नहीं पूछा है यहाँ पर, तो ये भी सही है,
काराकुम तुर्कमेनिस्तान भी सही है, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया भी सही, लेकिन जो पैटागोनिया है वो चिली में नहीं है, अर्जेंटीना में है, ठीक है, अर्जेंटीना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, लाल सागर और गल्फ ऑफ अडन है, जो अडन की खाड़ी, उसको कौन सा स्ट्रेट जल डमरू मध्य जोड़ता है, हरमूज स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट, बबल अब मंदाब स्ट्रेट या युकातन स्ट्रेट, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है आपका सी, बबल अब मंदाब स्ट्रेट, जो कि रेड सी और गल्फ ऑफ अडन को जोड़ता है ना ऐसे। तो आप एक बार इसको मैप में जरूर लोकेट कीजिएगा, आंसर है सी। मॉनसून पूर्व बारिश प्री मॉनसून रेन को किस राज्य में कॉफी शावर और चेरी ब्लॉसम्स के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में या वेस्ट बंगाल में, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए कॉफी शावर और चेरी ब्लॉसम है जो, वो कर्नाटक में जाना जाता है। तो आंसर हो गया बी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संयुक्त रूप से देश के उत्पादित कपास का लगभग 55% उत्पादन करता है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ज्वाइंटली प्रोड्यूस अबाउट 55% ऑफ द टोटल कॉटन प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश मिला करके 55% प्रोडक्शन करते हैं कॉटन का, ठीक है, आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना यानी मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ठीक है, सही ढंग से मेल नहीं खाता पूछा है। देखिए तुलसी बांध है जो वो असम में है, बिल्कुल सही है, नोवा देहांग बांध है जो वो हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है, गोसी खुर्द महाराष्ट्र में भी सही है, और इन और जो तीस्ता है ये आपकी कहाँ पर है, तीस्ता मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, ये है वेस्ट बंगाल में, तो ये गलत हो गया है ना, आंसर हो जाएगा बी। सरदार सरोवर परियोजना से निम्नलिखित में से किस राज्य को लाभ मिलता है, कौन कौन से राज्य हैं जिनको सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से फायदा मिलता है, देखिए गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, या गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान चारों स्टेट ऐसे हैं जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से फायदा लेते हैं। सेंट्रल एगमार्क प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है, नागपुर में, पुणे में, भोपाल में, इंदौर में, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए, ये नागपुर में स्थित है। एक वर्ष के दौरान अन्य देशों से देश के भुगतान और प्राप्तियां, ठीक है, पेमेंट्स और रिसिप्ट्स के बीच को के अंतर को क्या कहा जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं उसको, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, बैलेंस ऑफ निर्यात आयात कहते हैं मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या कैश रिजर्व कहते हैं, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, आंसर हो गया बी, और ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पार्ट है। जब पूंजी बाजार के जो सट्टेबाज हैं वो बढ़ती कीमतों की प्रत्याशा से शेयर या कमोडिटी को जब खरीदते हैं, व्हेन द कैपिटल मार्केट स्पेकुलेटर बाई शेयर और कमोडिटी इन एंटिसिपेशन ऑफ राइजिंग प्राइस इज कॉल्ड बुल मार्केट कहते हैं, बियर मार्केट कहते हैं, स्टैग मार्केट कहते हैं, या सस्ता बाजार चीप मार्केट कहते हैं उसको, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बुल मार्केट, ठीक है। NHRC के जो अध्यक्ष हैं उनके जो पद की समय सीमा है वो कितनी होती है, 5 साल, 6 साल, 4 साल, या किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं है, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ऐसा नहीं है कि उल्लेख नहीं किया गया है, 5 साल होती है इनकी समय सीमा, 5 साल और साथ में 70 साल, ठीक है, आंसर ए।
भारत के कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं? हाउ मेनी रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टीज आर देयर इन इंडिया? 7 दल हैं, 8 हैं, 6 हैं या 12 हैं, इनमें से कोई नहीं है, 1 से अधिक। अभी रिसेंटली बना ये NPP है ना, इसकी वजह से 8 हो गया है ना, अभी तक 7 थे। तो आंसर तो हो गया बी, बचे हुए कौन से हैं 7? एक हो गया बसपा, दूसरा हो गया आपका BJP, तीसरा हो गया आपका CPI, चौथा CPM, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, NCP, उसके अलावा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और NPP 8वां। ठीक है, ये 7 और ये 8वां NPP, नेशनल पीपल्स पार्टी। आंसर हो गया बी। सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है कौन सा है, एरिया वाइज पूछा जा रहा है यहाँ पर? लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इनमें से कोई नहीं है, 1 से अधिक। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च न्यायालय की बेंच यानी हाई कोर्ट की बेंच सही ढंग से मेल खाती है? सही वाले पूछे हैं, देखिए इलाहाबाद पीठ UP, बिल्कुल सही, लखनऊ पीठ UP, ये भी सही, बॉम्बे बेंच है जो वो गोवा में है, ये भी सही, और जो कलकत्ता बेंच है वो ज्यूरिसडिक्शन है उनका अंडमान एंड निकोबार तक, ये भी सही। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि 1 से अधिक सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है, गलत वाला बताना है, नॉट करेक्टली मैच्ड। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद से रिलेटेड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही। और आर्टिकल 154 है जो वो राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति से रिलेटेड है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर, ये भी सही। आर्टिकल 157 है जो ये राज्यपाल की कार्यालय की स्थिति, कंडीशन ऑफ ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, ये गलत है, क्योंकि ये है जो कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, ये है आर्टिकल 158। ठीक है, और जो 157 है ये इनकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है ना, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गवर्नर की। तो आंसर हो गया अपना सी, गलत वाला पूछा था। और आर्टिकल 200 है जो वो बिलों के लिए राज्यपाल का आश्वासन, असेंट टू, असेंट ऑफ गवर्नर टू बिल्स, इनमें से कोई नहीं है, 1 से। तो आंसर हो गया सी। निम्नलिखित में से किस भाग और किस आर्टिकल यानी अनुच्छेद के तहत UT का प्रशासन दिया गया है? अब तक भाग और अनुच्छेद याद हो चुके होंगे, तो बताइए भाग 8 में अनुच्छेद 237 से लेके 241 तक, भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 तक, भाग 10 में अनुच्छेद 244 से 241 तक, या भाग 11 में 263 से 300A तक, इनमें से कोई नहीं, 1 से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, भाग 8 में 237 से 241 तक। ठीक है, और भाग 11 में क्या दिया गया है, ये है आपका रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, और भाग 10 है जो वो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में है। ठीक है, और भाग 12 है जो वो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कंडक्ट और सूट, कॉन्ट्रैक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। जानवरों के प्राकृतिक आवास में उनके व्यवहार के अध्ययन को कहा जाता है स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इन देयर नेचुरल हैबिटेट, क्या कहते हैं इसको, इथियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एथनोलॉजी, यूजेनिक्स, या इनमें से कोई नहीं, 1 से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए, इथोलॉजी। मानव और चिंपांजी में क्रमशः गुणसूत्रों की संख्या है 23 मानव में है और 24 चिंपांजी में है जोड़े, या 24 जोड़े मानव के हैं, 23 जोड़े चिंपांजी के हैं, या 23 जोड़े मानव के हैं और 32 जोड़े चिंपांजी के हैं, या 32 जोड़े मानव के हैं और 23 जोड़े चिंपांजी के हैं, इनमें से कोई नहीं है, 1 से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, 23 जोड़े मानव के हैं और 24 जोड़े चिंपांजी के हैं, सबसे ज़्यादा 40 पिजन के हैं। पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग सही है?
गेहूं के लूज स्मट रोग, बिल्कुल सही है, लूज स्मट ऑफ व्हीट। गेहूं का ब्लैक रस्ट रोग, ये भी सही, रस्ट ऑफ व्हीट। गन्ने के रेड रॉट रोग, ये भी सही, गन्ने में लग जाता है रेड रॉट। और आलू का उत्तरभावी अंगमारी रोग यानी लेट बिल्ट ऑफ पोटैटो, ये भी सही है। सारे ही सही हैं, आंसर होगा ई। ठीक है, कुछ डिसीजेज हैं जो प्लांट्स में लगने वाली हैं वो आपको याद होनी चाहिए, फंगल डिसीजेज, कुछ बैक्टीरियल डिसीजेज ना, ये सारा पता होना चाहिए। तुलसी का वैज्ञानिक नेम है, साइंटिफिक नेम ऑफ तुलसी, सोलनम मेलोंगेना, ये तो ब्रिंजल का है ना, बैंगन का। ओराइजा सटाइवा है जो ये राइस का है, चावल का। और सिट्रम लेमोनियम, ये तो पता ही चल रहा है कि लेमन का है, ठीक है। और ऑसिमम सेंटम है जो, ये आपके तुलसी का वैज्ञानिक नेम है, आंसर हो जाएगा डी। भौतिक मात्रा के साथ निम्नलिखित एसआई यूनिट का मिलान करें। बल की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, काम की जूल होती है, तापमान की केल्विन होती है, और दीप्त तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला होती है। तो ये सब सही मैच्ड है, आंसर हो जाएगा ए, ए बी सी और डी। दिन के मुकाबले रात में ध्वनि अधिक दूरी तक सुनाई देती है ना, तो किसके कारण ऐसा होता है? रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, परावर्तन अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या विसरण यानी डिफ्यूजन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ऐसा जो होता है वो आपका रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, बी आंसर हो जाएगा इसका। प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जी गुटेनबर्ग ने या जी ब्रैडशॉ ने, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, प्रिंटिंग प्रेस की खोज की थी आपके जे गुटेनबर्ग ने, आंसर सी। अवरोही क्रम में मानव शरीर में तत्वों को के प्रतिशत को व्यवस्थित करें। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। देखिए, कार्बन का जो परसेंटेज है वो होता है 18%, हाइड्रोजन का जो परसेंट है वो होता है 10%, नाइट्रोजन का जो परसेंट है वो होता है 3%, और ऑक्सीजन का जो परसेंट है वो होता है 65%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 4, 1, 2, 3। कॉफी का जो पीएच मान है वो कितना होता है? कुछ इंपॉर्टेंट पीएच मान है वो आपको याद होने चाहिए, और अगर नहीं भी याद तो आइडिया होना चाहिए कि क्या एसिड है और क्या बेस है। जिसमें 7 तो न्यूट्रल होता है, 7 से अगर कम है किसी का पीएच तो वो एसिडिक हो जाएगा, और अगर ज़्यादा है तो वो बेसिक हो जाएगा। तो कॉफ़ी है ना, तो एक आइडिया होना चाहिए कि क्या है। तो ये तो है आपका एसिडिक, ठीक है, तो बचे कौन से एसिडिक में? ये दोनों, तो ये दोनों तो हट गए। अब देखिए, 5 है या 2.5 है, तो इतना ज़्यादा भी एसिडिक नहीं है, तो कॉफ़ी का है ए, 5, आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा डायमंड की विशेषता है? यह ऊष्मा का कुचालक होता है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक ज्ञात पदार्थ है, यह कार्बन की शुद्धतम रूप है, या इसमें बहुत अधिक अपवर्तनांक होता है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये चारों ही स्टेटमेंट सही हैं, और सही वाला ही पूछा है, तो आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। हाल ही में केंद्र सरकार की जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना है, उसमें बिहार का कौन सा फल शामिल किया गया है? अमरूद, आम, लीची, केला या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है सी, लीची को शामिल किया गया है, और जीआई टैग भी मिला है शाही लीची को, है ना, बिहार से ही है वो। राजधानी और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस है जो, उसमें कितने प्रकार की आपातकालीन दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन हैज बीन मेड अवेलेबल इन राजधानी एंड संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस? बिहार से ही चलती हैं दोनों। देखिए, 10 प्रकार की, 12 प्रकार, 15 प्रकार या 20 प्रकार की, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। बिहार का करंट अफेयर्स है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, और इस क्वेश्चन का आंसर है बी, 12 प्रकार।
फ्रिज के बाहर भी फलों और सब्जियों को ताजा रखने के लिए सब्जी कोठी और संरक्षक का आविष्कार किसने किया है? निक्की कुमार झा ने, रश्मि झा ने, अमित झा या राजेश झा? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए, ये है जो निक्की कुमार झा और रश्मि झा दोनों के योगदान से किया है, तो आंसर हो जाएगा इसका ई। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हाल ही में शुरू की गई मेरी सहेली दास्ता के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? ये दोनों चीजें याद रखनी ना, मेरी सहेली दास्ता किस चीज से? महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने से रिलेटेड है, और इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है? 180 है, 81 है, 182 है या 184 है? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 182 सी आंसर। हाल ही में बिहार से लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 संस्करण में किसे नामित किया गया है? सदानंद पॉल को, आरएस दुबे को, अखिल अभिषेक को या शशि भूषण राय को? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है ए, सदानंद पॉल को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामित किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में नोटा को कितना परसेंटेज वोट मिला है? 1.68, 2.68, 3.68 या 4.68? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है ए, 1.68। कौन सा राज्य बीज स्तर पर QR कोड डालने वाला देश का पहला राज्य बन गया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब? या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, QR कोड बीज स्तर पर डालने वाला कौन हो गया? सबसे पहला है बिहार। आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में विज्ञान संचार और प्रौद्योगिकी में अग्रिम अनुसंधान अंतरराष्ट्रीय पत्रिका के लिए बिहार से किसे सम्मानित किया गया है? सदानंद पॉल को, आरएस दुबे को, अखिल अभिषेक को या शशि भूषण राय को? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, शशि भूषण राय। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में नीचे से बिहार का रैंक क्या है? नीचे से पूछ रहे हैं, ठीक है। पहला रैंक है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। पब्लिक अफेयर इंडेक्स, ठीक है, बेंगलोर वाला, इसका रैंक है तीसरा, थर्ड। आंसर सी। बिहार से किसने ऑक्सीमीटर का स्वदेशी संस्करण विकसित किया है? विभूति विक्रमादित्य, आशुतोष कुमार, कामरान रिजवी या रूबी सिंह? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, विभूति विक्रमादित्य ने ये ऑक्सीमीटर का स्वदेशी संस्करण विकसित किया है। और ये वो स्लाइड है जिसे आप पॉज करेंगे और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए, और जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।